बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज ये आपके लिए रेडमी 4 वाला कुछ फीचर्स लाए हूँ रेडमी 4 के ऊपर। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं हर 2-3 दिन में, मतलब हर हफ्ता में 2-3 वीडियो डालता रहता हूँ। तो मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए ज़रूर मेरे को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों रेडमी 4 का आज पहला फीचर्स है डुअल एप्स। तो चलिए आप लोगों को बता देता हूँ, सेटिंग्स पे जाता हूँ। तो दोस्तों सेटिंग्स पे जाने के बाद डुअल एप ये वाला, ठीक है दोस्तों, अभी मेरे फ़ोन में ज़्यादा एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं है, तो इसीलिए एक एप्लीकेशन दिखा देता हूँ, ये जो कुछ भी है अमेज़न का। ठीक है, तो दोस्तों ये क्रिएटिंग डुअल एप्स, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे आइकॉन एडेड टू होम स्क्रीन। तो दोस्तों वो वाला एप्लीकेशन मतलब होम स्क्रीन पे आ गया है, तो मैं अभी वो यूज़ कर सकता हूँ। और ये जो एप्लीकेशन मैंने वहाँ पर किया था, तो ये 2 आ गया है अभी। तो एक आप देख पा रहे होंगे कि ओरिजिनल जैसा होता है, वो डुप्लीकेट मतलब जो डुअल ऐप से किया वो उसका कोना में येलो करके है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं। वो है लाइट मोड। तो दोस्तों लाइट मोड, ये रहा लाइट मोड। तो दोस्तों ये लाइट मोड ऑन कर देता हूँ। तो दोस्तों रिबूट करने के लिए बोल रहा है, मतलब रिस्टार्ट होगा, तो रिस्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों ये फोन ऑन हो गया है। तो दोस्तों ये सिंपल तरीका का एक फोन हो गया है अभी, नॉर्मली जैसा सिंपल फोन में होता है। नॉ अभी एंड्रॉयड ये नहीं रहा। ठीक है, तो दोस्तों ये आप सेटिंग में जाके ये चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको दिखा देता हूँ, वापस लाइट मोड पे जाइएगा, फिर दोबारा आपको रिबूट करने के लिए बोलेगा। एप्लीकेशन है सेकंड स्पेस, जो आपको मालूम ही होगा सेकंड स्पेस क्या होता है। मतलब आपके फ़ोन, अगर आपके भाई या बहन कोई भी यूज़ करता है, मतलब दोनों आप यूज़ करते हैं ये फ़ोन को, तो आप ये सेकंड स्पेस ये जो है सेटिंग में जाकर आपको मिल जाएगा। इसको यूज़ करके आप दोनों, मतलब फ़ोन को जैसा कंप्यूटर लैपटॉप में होता है दोनों अकाउंट, ऐसा तो ऐसा आप फोन में भी यूज कर सकते हैं। यहाँ आपको लिखा दे रहा होगा, दिख रहा होगा, क्रिएट ए सेपरेट स्पेस ऑन योर फोन यूजिंग सेकंड स्पेस इज लाइक हैविंग टू डिवाइसेस। तो दोस्तों चलिए ये टर्न ऑन सेकंड स्पेस कर देता हूँ, क्रिएटिंग सेकंड स्पेस हो रहा है, तो रिबूट भी होगा। तो दोस्तों रिबूट होने के बाद ऐसा इंटरफेस आप आ जाएगा। तो दोस्तों स्विच लिखा हुआ एक ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, स्विच लिखा हुआ, तो स्विच पे क्लिक करते ही आप के फ़ोन में दूसरा जो अकाउंट खुला है आप उसमें चला जाएंगे। फिर वहां से आप मतलब कुछ भी नया एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब आप जो फ़ोन पहले यूज़ कर रहे थे, जो एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल था, वो एक अकाउंट में रह जाएगा, और दूसरा जो होगा मतलब आप नए किए हैं वो एक हो जाएगा। तो दोनों यूज़ कर सकते हैं, आप और आपके भाई बहन या जो कुछ कोई भी चाहे। तो दोस्तों चलिए अगली फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं। वन हैंड मोड। दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि इतना बड़ा स्क्रीन वाला फ़ोन एक हाथ में यूज़ करना बहुत परेशानी होता होगा आप लोगों के लिए, लेकिन दोस्तों इसका एक सोल्यूशन है मेरे पास। जैसे आप में से कुछ जानते होंगे और कुछ नहीं जानते हैं, वो तो जो लोग नहीं जानते हैं उसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ, उनको सिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों देख लीजिए, ये मतलब बैक बटन, होम बटन और नेवी बटन जो है वहाँ पूरा स्लाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, स्लाइड करने के बाद ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, आप सेटिंग्स में जाके एडिशनल सेटिंग्स में जाकर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वन हैंड मोड आ गया है, तो आप जितना छोटा चाहे, यहाँ 4 इंची भी दिया हुआ है, 3.5 इंच भी दिया हुआ है, तो मैं 3.5 इंच करके आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये वाला आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि स्क्रीन पूरा छोटा हो गया, पूरा हैंड, वन हैंड मतलब एक हाथ के लिए
ये सूटेबल है, आप यूज़ कर सकते हैं इजीली। तो दोस्तों इसको आप वहाँ साइड में सेटिंग्स करके एक ऑप्शन है, वहाँ क्लिक करके मतलब दोबारा जैसा नॉर्मली फ़ोन है वैसा स्क्रीन बना सकते हैं। तो दोस्तों अगली फीचर्स है मतलब डाटा, अपना फ़ोन का जो भी डाटा होगा तो आप वो डाटा को अपने नए MI फ़ोन में ट्रांसफ़र करते हैं, उसका नाम है MI मोबाइल। मतलब जैसा नॉर्मली आप शेयर इट से कर सकते हैं, ऑल डाटा शेयर इट से और या जेंडर से आप करते होंगे कुछ वीडियो वीडियो, लेकिन यहाँ आप पूरा डाटा शेयर कर सकते हैं। ठीक है, शेयर करने के लिए आपको MI मोबाइल में जाना पड़ेगा। MI मोबाइल जाने के बाद दो आपको आइकॉन दिखेगी, एक आई एम ए रिसिपेंट एंड दूसरा आई एम ए सेंडर। दोस्तों अगर आप रिसीव करना चाहते हैं तो आई एम रिसिपेंट में क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको QR कोड दिखेगा, एक QR कोड दिखेगा, वो किस QR कोड को दूसरा फोन में आपको स्कैन करना पड़ेगा, तब मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ऑडियो हेडफोन इफेक्ट, दोस्तों आप या सेटिंग्स में जाइएगा, सेटिंग्स से जाने के बाद एडिशनल सेटिंग्स पे जाने जाइएगा, ठीक है। एडिशनल सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ हेडफोन ऑडियो इफेक्ट ऐसा ऑप्शन आपको दिखेगा, तो ये ऑप्शन के जाने के बाद आप यहाँ क्लिक कर दीजिएगा। और दोस्तों आप जब भी जैसा भी हेडफोन अपने फ़ोन से कनेक्ट करेंगे तब वैसा इंटरफेस वाला और सब वैसा आइकॉन वाला ये हो जाएगा, और आप ऐसा आइकॉन को क्लिक करने के बाद आप नॉर्मली मतलब साउंड इफेक्ट्स पूरा चेंज कर सकते हैं, साउंड इफेक्ट्स का मज़ा ले सकते हैं नए नए, ठीक है। तो दोस्तों अगली फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगली फीचर्स है रीडिंग मोड। ठीक है, रीडिंग मोड मेनली आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल एक एप्लीकेशन है, जो आप कभी कभी प्ले स्टोर से डाउनलोड करते होंगे, लेकिन रेडमी 4 में ये प्री इंस्टॉल मतलब भी पहले से ही दिया गया है। आप सिंपली सेटिंग्स पे जाइएगा, सेटिंग्स पे जाने के बाद आप डिस्प्ले में जाइएगा। ठीक है, तो डिस्प्ले के जाने के बाद सेकंड ऑप्शन आपको दिखेगा रीडिंग मोड, फिर उसको क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपको ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ आप एडजस्ट में जाइएगा। एडजस्ट में जाने के बाद आप वहाँ से रीडिंग मोड का पूरा एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपके आँखों के लिए कितना अच्छा होगा ये लो वाला, तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको नॉर्मली सजेस्ट करूँगा कि इस एप्लीकेशन को रात को यूज़ करें, आपके आँखों के लिए बहुत ही मतलब यूज़फुल होगा। तो दोस्तों चलिए अगली फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगली फीचर्स वॉलपेपर। कैरो यूसल, ठीक है। तो वॉलपेपर को मतलब वॉलपेपर पे सेटिंग्स से, वॉलपेपर के जाने के बाद ये आप जैसे कि देख पा रहे होंगे वॉलपेपर करके, ये आप वाईफाई से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अपडेट ओवर वाईफाई यहाँ दिया हुआ है, तो ये ऑफलाइन वाला 10 मतलब फोटोज है, ठीक है। तो इस पर अप्लाई करने के बाद ऑटोमेटिक आप जब लॉक करेंगे स्क्रीन और खोलेंगे तो ऑटोमेटिक ये जो फोटो चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों अगली फीचर्स है पॉकेट मोड, दोस्तों कभी आपके फ़ोन से कोई अनचाहे SMS सेंड हो जाता है, कभी कभी आप सेंड ही नहीं किया है लेकिन सेंड हो गया SMS, फ़ोन लग गया या कोई फ़ोन करता है तो फ़ोन रिसीव हो जाता है तो किसी का रिप्लाई हो जाता है। तो दोस्तों इसको नॉर्मली आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। ठीक है, सेटिंग्स में जाने के बाद आपको लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड पे जाना पड़ेगा। तो लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड पे जाने के बाद दोस्तों आपको एडवांस सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। एडवांस सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको पॉकेट मोड दिख जाएगा। ठीक है, पॉकेट मोड लिखा हुआ होगा, उस पर क्लिक करके आपको इनेबल करना है, अभी डिसेबल है तो आपको इनेबल करना पड़ेगा। इनेबल करने के बाद दोस्तों इसका क्या काम है मैं आपको बता देता हूँ, यूज़ कैसा करते हैं इसको। तो दोस्तों मैं लॉक कर रखा हूँ और अभी खुल जा रहा है। ठीक है, लेकिन मैं जब भी वो जो सेंसर होता है फ़ोन का ऊपर, सेंसर पे उंगली रख दूंगा तो वो फ़ोन नहीं खुलेगा। तो मतलब पॉकेट में आप जब रखेंगे तो नहीं खुलेगा, और ये जब भी पॉकेट में होगा तो ये ऐसा करके इंटरफेस आ जाएगा कि डोंट कवर द ईयरफोन एरिया। मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ, यह आप जैसे कि देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, डोंट कवर द ईयरफोन एरिया ऐसा आ रहा है।
तो दोस्तों पॉकेट मोड ऑन करके आप अपने फोन को थोड़ा सेफ रख सकते हैं। तो दोस्तों आज का लास्ट फीचर्स है स्पीड चेकर, मतलब आप रियल टाइम स्पीड देख सकते हैं आपके फ़ोन से ही इनबिल्ट। जैसा आप कभी कभी डाउनलोड करते होंगे प्ले स्टोर से, लेकिन आपको यहाँ डाउनलोड करने का कोई ज़रूरत नहीं होगा। नॉर्मली आप सेटिंग्स पे जाइएगा, सेटिंग्स पे जाने के बाद नोटिफिकेशन पे जाइएगा, नोटिफिकेशन पे जाने के बाद आपको दिख जाएगा वहाँ कि शो कनेक्शन स्टेटस या शो कनेक्शन स्पीड, जैसा यहाँ स्पीड दिया हुआ है। तो स्पीड को ऑन करके आप अपने फ़ोन में मतलब इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो लाइक कमेंट एंड शेयर, ठीक है। और दोस्तों ऐसे ही देखते रहिए ट्रिक्स बाज। और चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।